दोस्तों आज हम अपाचे के अंदर जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, इंडिकेटर नहीं चलना और हॉर्न नहीं काम करना, जिसमें आप लोग हॉर्न चेक कर लेते हैं, इंडिकेटर बल्ब भी चेक कर लेते हैं और रिले वगैरह चेक कर लेते हैं, हेडलाइट इंडिकेटर का फ्लैशर चेक कर लेते हैं, तो तब भी आपकी वर्किंग नहीं करती, कई बार हॉर्न काम नहीं करता, वायरिंग में कोई फॉल्ट आ जाता है। तो आज हम उसके बारे में बात आएंगे। सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ, अगर इन केस अगर आपकी गाड़ी में अगर आपने हॉर्न चेक कर ली है फिर भी आपका हॉर्न काम नहीं कर रहा है, और आपको कैसे पता करना है कि आपका हॉर्न का स्विच ख़राब है या हॉर्न में वायरिंग कोई ख़राब है, तो वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अभी दोस्तों सबसे पहले इधर लेकर हॉर्न का कोई भी वायर ले लें, दो वायर आते हैं जैसे दोस्तों हॉर्न के अंदर, एक ऑरेंज कलर का और एक ग्रीन कलर का। दोस्तों ऑरेंज कलर के अंदर नॉर्मली आपका रेगुलर 12 वोल्ट चाबी ऑन होते ही रेगुलर 12 वोल्ट आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर 12 वोल्ट नहीं आता है तब भी आपका हॉर्न काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें रेगुलर 12 वोल्ट आएगा, रेगुलर 12 वोल्ट चेक करने के लिए दोस्तों मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगा लें। ये मैं हॉर्न चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, इंडिकेटर इसके बाद बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले ऑरेंज कलर के वायर के अंदर हम ये रेड कलर की पिन ऑरेंज कलर के वायर में डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। और मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट के 20 पे लगा लेंगे, ठीक है। और इस ब्लैक कलर वाले को बॉडी से अर्थ करेंगे दोस्तों, चाबी ऑन कर लेंगे दोस्तों और बॉडी से अर्थ करेंगे। देखो दोस्तों इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप टेस्टिंग बल्ब से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, बल्ब से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये टेस्टिंग बल्ब है, एक वायर को हम ये ऑरेंज कलर के वायर में डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। और एक को हम चाबी ऑन करके बॉडी से कहीं से भी अर्थ कर देंगे जैसे ये लाइट लग जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे ये लाइट लग जाए तो इसका मतलब 12 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। अगर इसमें 12 वोल्ट रेगुलर नहीं आता है दोस्तों तब आपका हॉर्न ऑन नहीं होगा। इसमें 12 वोल्ट रेगुलर लाने के लिए क्या करना है दोस्तों आपको, ये ऑरेंज कलर के वायर में दोस्तों, या तो कहीं ना कहीं आपका वायर ज़्यादातर इस कोने से टूटता है, इधर से देखो यहाँ से टूट जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ से आपको फॉल्ट कहीं नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, नॉर्मली ये चाबी स्विच में ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, ठीक। दूसरा आपको यहाँ ऑरेंज कलर के वायर दिख रहे हैं, ये जितने भी हैं चाबी स्विच ऑन होने के बाद इनमें 12 वोल्ट आता है दोस्तों, ठीक है, वोल्ट आता है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, हल्का सा यहाँ तो चाबी स्विच ऑन ये ऑरेंज कलर वाले वायर में यहाँ से कट लगा लें, यहाँ से कट लगा के या यहाँ से कट लगा के वायर आप यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है, चाहे ये वाला हॉर्न काम नहीं करे या वो वाला, दोनों में से किसी में भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, इसमें 12 वोल्ट आ जाएगा दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया, अगर इसमें 12 वोल्ट नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, 12 वोल्ट नहीं आता है तो 12 वोल्ट कहाँ से लाना है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ ये ग्रीन कलर का वायर दिख रहा होगा दोस्तों, ये इसमें अर्थिंग आता है, मगर किसके थ्रू आता है, ये आपके हॉर्न के स्विच से आता है, इधर देखो ये हॉर्न के स्विच से आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर ये हॉर्न स्विच भी ख़राब होगा तब भी आपको कैसे चेक करना है, तब भी इसमें आपका बॉडी का अर्थ नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, बैटरी का अर्थ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्विच का ये कपलर दिख रहा है दोस्तों, ब्लू कलर का कपलर है, ठीक है, इसमें ब्लैक कलर की जो ये देखो ब्लैक में वाइट धारी जा रही है। सबसे पहले तो आप इसमें चेक कर लें इसमें बॉडी अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बॉडी अर्थ आने के लिए आपको क्या चेक करना है, क्या करना है दोस्तों, मल्टीमीटर को आप बजर पर ले लें, ठीक है, मल्टीमीटर को बजर पर लेने के बाद ये देखो दोस्तों ब्लैक में वाइट कलर का वायर, ब्लैक में वाइट कलर का वायर ध्यान रखना दोस्तों। इसमें ब्लैक कलर की पिन डाल दें मल्टीमीटर की, ठीक है, और बजर पे रखना है दोस्तों आपको मल्टीमीटर को, और बैटरी के बॉडी पर जहाँ से बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन आता है वहाँ टच करके देखिए, अगर बीप ओके आ रही है, ठीक है, तब तो ठीक है दोस्तों, आपका अर्थिंग वायर आ रहा, अर्थिंग का कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर इनकेस आपका इसमें अर्थिंग नहीं आ रहा है, बीप नहीं बज रही है, तब दोस्तों इस वायर को जो ये वाला वायर आ रहा है आपका ब्लैक में वाइट कलर की धारी, इसको या तो डायरेक्ट बॉडी से कहीं से भी अर्थ कर दें, ठीक है, बॉडी में मतलब कहीं से भी बॉडी से अर्थ दे दें आप, ठीक है दोस्तों, तब भी आपके इसके अंदर नेगेटिव करंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया अगर इसमें अर्थिंग नहीं आया तो क्या करना है दोस्तों। अब इसके बाद अगर सोचो अर्थिंग आ रहा है फिर भी आपका हॉर्न स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर क्या करना है आपको दोस्तों,
इसके अंदर आपको एक ग्रीन कलर का वायर दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, ये ग्रीन कलर का वायर दोस्तों, ये वाला दोस्तों, ठीक है। एक ग्रीन में देखो, एक तो ग्रीन आ रहा है, ग्रीन में ब्लैक कलर की धारी है, एक लाइट ग्रीन आ रहा है, एक डार्क ग्रीन आ रहा है दोस्तों, ये वाली ग्रीन दिख रही है, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन है दोस्तों। इसके अंदर क्या करें, पहले स्विच को चेक कर लें, जैसे एक ब्लैक वाले को तो हमने ये ब्लैक वाली पिन को हमने ब्लैक में वाइट कलर का जो वायर है इसमें डाला हुआ है, और ग्रीन वाले को हम इसमें रेड कलर के में डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। ये दोनों पिन है, इसमें ऐसे डाल देंगे, और यहाँ से चाबी ऑन करके हम सेल्फ इसके स्विच को दबाएंगे दोस्तों। चाबी ऑफ भी रखोगे तब भी आपका स्विच वर्किंग करेगा, इधर दिखाना, यहाँ देखो, अगर यहाँ बीप बज जाता है दोस्तों तो इसका मतलब आपका ये सेल्फ, ये आपका सॉरी हॉर्न का स्विच, अब जैसे मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ और वहाँ देखो वहाँ साउंड आ रही है, बीप आ रही है दोस्तों, तो अगर बीप ऑन हो जाता है तो इसका मतलब आपका हॉर्न का स्विच ओके है। अगर बीप नहीं बजता है तो दोस्तों आपका, आपको इसमें क्या करना है, आपका हॉर्न स्विच चेंज करना है, जो ये पूरी असेंबली, अगर इसमें बीप नहीं बजता है दोस्तों इसको प्रेस करने के बाद, तब आपको क्या करना है, आपका हॉर्न का स्विच ये चेंज करना है दोस्तों। अगर सोचो बीप बज रहा है और फिर भी आपका हॉर्न ओके नहीं है दोस्तों, आपका हॉर्न नहीं बज रहा है यहाँ से, तब फिर क्या करना है आपको, ये जो ग्रीन कलर का वायर जो मैंने आपको यहाँ बताया था, देखो दोस्तों ये वाला ग्रीन कलर का वायर, डार्क ग्रीन है ना, इसके अंदर ये रेड पिन, मल्टीमीटर की रेड पिन लगा देनी है, और मल्टीमीटर को वही बजर पे रखना है अपने को, और ये जो ग्रीन कलर का वायर है दोस्तों, ये वाला ग्रीन कलर का वायर, इसके अंदर कंटिन्यूटी चेक करनी है दोस्तों। अगर इसमें कंटिन्यूटी ओके आ रही है दोस्तों तब तो ठीक है, अगर नहीं आती है तब आप यहाँ से या तो वायरिंग पूरी रिपेयर कर सकते हैं खोल के, ठीक है, पहले बेटर तरीका या तो वायरिंग पूरी खोल के रिपेयर कर लो, अगर नहीं होता है दोस्तों यहाँ से कट करके आप डायरेक्ट यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कट करके दोनों हॉर्न में जोड़ सकते हैं, या जहाँ से आप ख़राब है वायर टूटा हुआ है वहाँ से जोड़ सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आप करते हैं तो आपका हॉर्न ऑन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये तो मैंने आपको हॉर्न का बता दिया दोस्तों। सेकेंड, अगर आपका इंडिकेटर काम नहीं करता तब आपको क्या करना है, इधर देखो दोस्तों, अगर इंडिकेटर आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिकेटर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी इंडिकेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो इंडिकेटर स्टार्ट होने का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले आपको चाबी ऑन कर लेना है, ठीक है, उसके बाद मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगा लेना है दोस्तों, ठीक है, डीसी के 20 वोल्ट पे, ठीक है। ये जो आपको मल्टी इंडिकेटर का फ्लशर है दोस्तों, इसके अंदर देखो एक ऑरेंज कलर का वायर आ रहा होगा, इंडिकेटर का फ्लशर हम हटा देते हैं, ये देखो दोस्तों ये ऑरेंज कलर का वायर है, इसके अंदर ग्रीन कलर का सॉरी ऑरेंज कलर का वायर है, इसके अंदर हम मल्टीमीटर की एक पिन डाल देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और एक को बॉडी से अर्थ कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें 12 वोल्ट पूरा आ रहा है दोस्तों तब तो ठीक है, अगर अदरवाइज इसमें 12 वोल्ट नहीं आता है तब भी आपका इंडिकेटर स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, ये ऑरेंज कलर के वायर के अंदर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये इंडिकेटर का पूरा सर्किट एक बार बता रहा हूँ, इंडिकेटर का पूरा सर्किट कैसे काम होएगा, कैसे काम कर दोस्तों, इसके अंदर अगर 12 वोल्ट आ जाता है तब तो ओके है, अगर इसमें 12 वोल्ट नहीं आता है तब फिर आपको क्या करना होगा, अगर इसमें 12 वोल्ट आएगा ही नहीं तो फिर इंडिकेटर वगैरह कुछ काम नहीं करेंगे दोस्तों आपको। अगर सोचो इसमें 12 वोल्ट नहीं आता है फिर क्या करना है दोस्तों, देखो इसमें 12 वोल्ट आप दो जगह से ला सकते हैं, या तो आप पूरा वायरिंग चेक कर लें, ठीक है, वायरिंग आपकी कहीं ना कहीं कटी हुई होगी, ज़्यादातर इस कोने पाचे की ये नेक के पास में तो वायरिंग कट जाती है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा शॉर्ट तरीका दोस्तों ये है, जैसे ये ब्रेक स्विच है इसके अंदर ऑरेंज कलर का वायर है दोस्तों, आप यहाँ से काट के डायरेक्ट इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, मगर पहले चेक कर लेना कि इसमें 12 वोल्ट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, सबसे पहले ये चेक कर लेना 12 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कंफर्म है कहीं ना कहीं यहाँ से वायर कटा होगा दोस्तों, इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर 12 वोल्ट आना ज़रूरी है, मैंने ये आपको शॉर्ट तरीका बताया, इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर सोचो इसी में भी करंट नहीं आया, ये ब्रेक स्विच वाले ऑरेंज कलर में ही करंट नहीं आया तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा एक और ऑरेंज कलर का वायर आता है दोस्तों यहाँ पर, ये PCI के पास में आता है दोस्तों, मगर इससे जोड़ने की कोशिश मत करना, यहाँ पे किल स्विच से
इसके अंदर करंट किल स्विच से आता है, ठीक है। जैसे आप इस किल स्विच को ऑफ करेंगे तो आपके इंडिकेटर वगैरह भी ऑफ हो जाएंगे दोस्तों। बेटर है इससे मत जोड़ना आप कभी भी, आप बेटर है या तो यहाँ से खोल के वायरिंग एक बार रिपेयर कर लें, और नहीं तो इसके अंदर करंट आ रहा है तो आप इसको इससे डायरेक्ट कर दें दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए, नहीं आए तो आपको कहाँ से रिपेयर करना चाहिए, और अगर आपको और भी शॉर्ट चाहिए तो यहाँ से वायर काटें, और अपना ये चाबी स्विच है ये ऑरेंज कलर का, ठीक है दोस्तों। जो रेड रेड वाले में नहीं जोड़ना है, ये ऑरेंज वाले में जोड़ना है, ध्यान रखना दोस्तों। ऑरेंज वाला वायर डायरेक्ट आप यहाँ ला के इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, ये आपका 12 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अब सोचो आपने चेक कर लिया इसमें 12 वोल्ट आ रहा है फिर भी आपका इंडिकेटर नहीं जल रहा है दोस्तों, तो आपने प्रेशर भी चेंज कर दिया, सोचो आपने प्रेशर इसका नया लगा दिया है दोस्तों, ठीक है, फिर भी आपका इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो ब्लू लाइट ब्लू कलर का वायर है दोस्तों, ध्यान रखना ये लाइट ब्लू कलर का वायर हमारे कहाँ जाता है, सीधा उठ के आगे जाता है। ये देखो ये वाला है, ये स्विच असेंबली है, स्विच LH साइड की स्विच असेंबली जो इंडिकेटर वाला है। ये वायर देखो दोस्तों, ये लाइट ब्लू कलर का आपको यहाँ वायर दिख रहा होगा, ये लाइट ब्लू दिख रहा है दोस्तों, और ये किस स्विच में आ रहा है, ये ब्लू कलर का कपलर है इसके अंदर आ रहा है दोस्तों। पहले यहाँ से लेके वहाँ तक की कंटिन्यूटी आपको चेक कर लेनी है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से लेके वहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पे लगाएं, ठीक है, और मल्टीमीटर के एक पिन को इसमें डाल दें, ब्लू कलर लाइट ब्लू वाले में दोस्तों, ठीक है, लाइट ब्लू वाले में डाल दें दोस्तों। फिर क्या करना है दोस्तों आपको, ये जो मैंने आपको ब्लू कलर का वायर बताया दोस्तों, ठीक है, ये इंडिकेटर स्विच असेंबली का वायर है दोस्तों, ठीक है, कपलर है दोस्तों, सॉरी, इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर दोस्तों यहाँ बीप बज रही है, ठीक है, अरे देखो बीप की साउंड आ जाती है तो इसका मतलब आपकी वायरिंग ओके है, यहाँ से लेके आपके फ्लशर तक की। अगर सोचो बीप की वायरिंग नहीं आती है तो वायरिंग कहीं टूटी है दोस्तों, फॉल्ट आपका यहीं है, तो इसको आपको सॉर्ट आउट कर लेना है, वायरिंग पूरी खोल के इसको रिपेयर कर लें, बेटर तो ये है। वायरिंग अगर खोल के आप रिपेयर पूरा काम करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी कारण से, या कस्टमर आपको जल्दी मांग रहा है गाड़ी, तो आप यहाँ से लेके डायरेक्ट आप यहाँ वायरिंग जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कट कीजिएगा, वहाँ से कट करके डायरेक्ट आप वायरिंग को जोड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर देखो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये ब्लू कलर के लाइट ब्लू के अंदर अगर बीच में वायर कटा हो तो कैसे पता चल करें, और सोचो अगर कंप्लीट वायरिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की सही है और उसके बाद भी आपके इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको स्विच ख़राब है या सही है वो कैसे पता लगाएं। एक बार मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ विदाउट फ्लैशर के, ताकि वहाँ तक 12 वोल्ट का पूरा करंट आए। जैसे दोस्तों मैं यहाँ से एक बार डायरेक्ट कर देता हूँ विदाउट फ्लैशर लगा के, ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया और आपने यहाँ चेक कर लिया है कि आपके ये ब्लू कलर के अंदर, जैसे 20 वोल्ट पे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और एक वायर इसमें लगा देते हैं और एक इसमें लगा के मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ 12 वोल्ट पूरा आ रहा है आपका, ठीक है दोस्तों, अगर 12 वोल्ट आ रहा है और फिर भी आपका यहाँ से इंडिकेटर ऑन नहीं होता है किसी कारण से, तो दोस्तों फिर आपको क्या चेक करना है, देखो इसके अंदर आपको स्विच ख़राब है या सही है ये कैसे पता लगाएं आप दोस्तों, ठीक है ना। इसका एक सिंपल तरीका है दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का वायर है, लाइट ब्लू कलर का वायर, वायरों का ध्यान रखना दोस्तों, ये लाइट ब्लू कलर का वायर, अपने पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे ले लें दोस्तों, ये दिखाओ मल्टीमीटर को आप बज़र पे ले लें, ये आ गया बज़र पे, ठीक है दोस्तों, ये लाइट ब्लू कलर का वायर है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी पिन डाल दें, रेड या ब्लैक कोई भी डाल दें, ठीक है दोस्तों। दूसरा ये डार्क ब्लू दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, ये भी इंडिकेटर का वायर है, ये स्विच ऑन होने के बाद आगे कनेक्शन होता है, मैं यहाँ से डाल देता हूँ, यहाँ से सही नहीं डल रहा है, ये देखो ये लाइट ब्लू है दोस्तों, इसके अंदर मैंने मल्टीमीटर का एक पिन डाल दिया, और ये डार्क ब्लू है दोस्तों, इसके अंदर मैंने दूसरा पिन डाल दिया दोस्तों, ठीक है, यहाँ बजर पर लगा देना है और यहाँ से आपको इंडिकेटर का स्विच ऑन करना है दोस्तों। ये देखो अगर इंडिकेटर का स्विच ऑन हो रहा है दोस्तों तो इसका मतलब आपकी कंटिन्यूटी, यहाँ से आपका ये वाला स्विच सही है। इसी तरीके से आपको दूसरे, इसी तरीके से दोस्तों ये लाइट ब्लू के अंदर तो आपको कॉमन वायर रखना ही है, ठीक है, और ये डार्क ब्लू में से निकाल के ये हल्का जो ग्रीन है,
ये भी इंडिकेटर का ही है दोस्तों, इस ग्रीन वाले वायर में डाल देना है। ठीक है दोस्तों, ये इंडिकेटर जैसे ही आपका ये बीप बज जाता है तो मतलब लेफ्ट साइड का भी स्विच ओके है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपकी स्विच असेंबली ओके है। अगर बजर नहीं बजता है तो इससे आपको ये पता चल जाता है, जैसे ये बजर अभी नहीं बजे, अब बजर बज रहा है दोस्तों, अगर बजर नहीं बजता है तो इसका मतलब आपकी स्विच असेंबली, कौन सी वाली, इंडिकेटर वाली स्विच असेंबली ख़राब है। ठीक है, ऊपर देखा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ से शॉर्ट तरीका बता दिया कि ये आपको स्विच असेंबली कैसे चेक करें। कई बार मैकेनिकों के पास स्विच असेंबली नहीं होती है, दूसरी एक्सचेंज करके नहीं देख पाते, तो शॉर्ट तरीका है स्विच असेंबली कैसे चेक करना है। लाइट ब्लू कलर का वायर, कलर का ध्यान रखें दोस्तों, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और ये लाइट ग्रीन। ठीक है, लाइट ब्लू में तो आपको रेगुलर कंटिन्यूटी, मतलब रेगुलर एक वायर डाल के ही रखना है, और डार्क ब्लू में डाल के देखें बीप बज रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने स्विच चेंज कर दिया है। ठीक है, और ये लाइट ग्रीन के अंदर डाल के देखें, यहाँ पे भी बजर बज रहा है। तो ये सिंपल तरीका है आपका स्विच चेक करने का दोस्तों। अगर सोचो स्विच आपका ओके है और किसी कारण से आपका इंडिकेटर नहीं लग रहा है, फिर भी नहीं लग रहा है, तब एक चीज़ और चेक कर लें, ये जो लाइट ब्लू वाला वायर है दोस्तों, ठीक है, ये आपका इंडिकेटर का वायर है। ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको, इसकी अंदर तक की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है कि यहाँ तक कहीं वायर गर्दन से टूट तो नहीं गया है, और इसकी कंटिन्यूटी ओके आ रही है या नहीं आ रही है। तो फिर क्या करेंगे आप, ये इंडिकेटर का वायर हटा लेंगे, और देखो ये ब्लू कलर का वायर है दोस्तों जो इंडिकेटर का है। ठीक है, और मल्टीमीटर को बजर पे लगा लें और इसको इसमें लगाएं। देखो अभी तो इसमें बीप बज रहा है, बीप की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा ऊपर लेना, ये देखो दोस्तों इसमें बीप बज रहा है। अगर इसमें बीप ना बजे तो आप यहाँ से वायर कट करके डायरेक्ट इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं, या तो अदरवाइज़ आप पूरी वायरिंग रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप, ये लाइट ग्रीन कलर का वायर है, इसमें भी आप चेक कर लें, आपके लेफ्ट और राइट के इंडिकेटर दोनों ऑन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बता दिया है, आपका इंडिकेटर अगर काम नहीं करता है और हॉर्न काम नहीं करता है दोस्तों, कई बार क्या है मैकेनिक भाई या मैं भी कई बार इन चीज़ों में फंस जाता हूँ कि कई बार छोटी सी प्रॉब्लम होती है, पता ही नहीं चलती है कहाँ से। तो ये अलग है तो प्रॉब्लम छोटी, हॉर्न इंडिकेटर छोटी प्रॉब्लम है, मगर कई बार हम लोग भी फंस जाते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, वायरिंग में कहाँ फॉल्ट आ सकती है, और स्विच चेक करने का तरीका कैसे है, इंडिकेटर स्विच कैसे चेक करें, आपका हॉर्न स्विच कैसे चेक करें, आपकी हॉर्न की वायरिंग वगैरह कंप्लीट कैसे चेक करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।